ओम नमः शिवाय। लाइव सरल सामग्री में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप केवल और केवल एक मंत्र से आप किसी से भी आप अपनी बात मनवा सकते हो, चाहे वो आपकी शादी को लेकर हो, चाहे वो आपने किसी से काम निकलवाना हो, चाहे आप अपनी गर्लफ्रेंड को मनाना चाहते हो, चाहे आप अपने बॉयफ्रेंड को मनाना चाहते हो, चाहे आप अपने परिवार रूठे हुए सदस्य को मनाना चाहते हो, चाहे आप अपने बॉस को खुश करना चाहते हो या अपने पति को खुश करना चाहते हो, केवल और केवल इस मंत्र का प्रयोग करने से आपको जो भी आप अपने मन में एक बार जो बात ठान लेंगे तो वो काम जरूर पूर्ण होगा। उससे पहले मैं सभी साधक साधियों को बताना चाहूँगा कि आप इस मंत्र का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें, क्योंकि ये इतने प्रभावशाली मंत्र हैं कि यदि आप किसी गलत कार्य के लिए प्रयोग करते हैं तो यदि ये मंत्र आपके ऊपर उल्टा पड़ गया तो उसका परिणाम जो भी होगा वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो आइए, हमें इस मंत्र का कैसे प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको इस मंत्र को सिद्ध करना होगा। सिद्ध करने के लिए आपको कोई समय नहीं है, कोई दिन नहीं है, तो आपको केवल इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप किसी भी दिन से स्टार्ट करते हैं, तो आप इस मंत्र को जब तक आपने इस मंत्र को करते रहना है, जब तक आपका 1,25,000 बार आप इस मंत्र को नहीं कर लेते। जैसे कि आप सोमवार के दिन करते हैं इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आप पहले दिन यदि इस मंत्र का 5,000 बार एक दिन में करते हैं तो आप जब तक आपके 1,25,000 बार ना हो जाए, जब तक आप करते रहें, और जैसे आपने सोमवार के दिन आपने 5,000 बार किया है, 2,000 बार किया है, तो आपने रोज 2,000 बार करना है। अगर आपने 5,000 किया है तो आप रोज 5,000 बार करें, या आप एक दिन के अंदर आप 1,25,000 बार इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करें तो आप ध्यान रखें कि आपने इस मंत्र को छत के नीचे नहीं करना है, चाहे आप अपनी छत के ऊपर बैठ के करें, चाहे आप किसी नदी किनारे करें, चाहे आप जंगल में जाके करें। आपने ये ध्यान रखना है कि आपने घर की छत के नीचे नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप अपनी दुकान की छत के दुकान के अंदर करें तो आपका ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा। आपने आसमान के नीचे जैसे खुले में करना है। इसको रोज डेली एक भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए, जब तक आपके 1,25,000 बार ना हो जाए। जैसे ही आप इस मंत्र को 1,25,000 बार सिद्ध कर लेते हैं तो आप जिस व्यक्ति से आप अपनी बात पूर्ण करवाना चाहते हैं, उनसे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जब वो व्यक्ति आपके सामने हो तो आपने इस मंत्र 5 बार आपने अपने मन में बोलना है। ध्यान रहे, आप जब मन में बोल रहे होते हैं तो कभी भी आपकी जीभा नहीं हिलती। यदि आपकी जीभा हिलती है तो वो मंत्र आपका पूर्ण नहीं होता, वो मंत्र माना नहीं जाता। और यदि आपके सामने वो व्यक्ति नहीं है और आप उस मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं तो ये किसी भी तरह से काम नहीं करेगा। ध्यान है, जब तक आपके सामने ना आ जाए आप इस मंत्र का उच्चारण ना करें। तो ये मंत्र है जो हमने आपको बताना है। अभी आपको अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको वीडियो के एंड में आपको पूरा मंत्र आपको दिखा देंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और इस मंत्र को जिस विधि द्वारा हमने आपको बताया है, आप पहले इस मंत्र को 1,25,000 बार आप इसको सिद्ध कर लें, उसके बाद आप किसी से भी आप अपनी बात पूर्ण करवा सकते हैं। जैसे कि हमने बताया है कि आप इस मंत्र का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें, क्योंकि यदि आप गलत कार्य के लिए प्रयोग करते हैं तो आप और आपके परिवार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और सभी साधक साध्वी को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जिससे कि और भी साधक साध्वी अपने कार्य को पूर्ण कर सकें। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और सभी साधक साथी बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।